आदरणीय मोदी जी, हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे त्रिपुरा वासियों के लिए इतना सोचते हैं, जो आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री इतना ना सोचा हो। मेरा आपसे एक प्रश्न है, अब जब चुनाव 2 महीने से कम समय रह चुका है, तो हमारा उत्साह काफी बढ़ा हुआ है, तो हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए? रजनी जी, आपका धन्यवाद। त्रिपुरा में की जनता त्रिपुरा को आगे निकले ले, हाँ बैठिए रजनी जी। त्रिपुरा की जनता त्रिपुरा को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, एक मुक्ति का आनंद ले रही है, और वहाँ सरकार भी जन कल्याणकारी कामों में लगी हुई है, और इसलिए अगर आगे बढ़ने का यश है तो त्रिपुरा की जनता को है, त्रिपुरा की सरकार को है, त्रिपुरा का नेतृत्व करने वाली टीम को है। मैं तो एक गार्डियन हूँ, एक गार्डियन के नाते जितना ख्याल रख सकता हूँ जरूर रखता रहूँगा, लेकिन आपने मेरा धन्यवाद किया इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए, आपका ये प्रश्न वास्तव में पूरे भाजपा परिवार का उत्साह बढ़ाने वाला है। दरअसल आने वाले 2 महीने में पूरे विश्व की नज़र भारत की ओर लगी रहेगी। लोकतंत्र का महोत्सव चुनाव अपने रंग में दिखेगा। ऐसे में विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने के नाते भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं का दायित्व भी कहीं अधिक बड़ा है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने जनसामान्य को लाभ पहुंचाने वाले जितने फैसले लिए उतने आज तक किसी ने नहीं लिए। अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि विकास के इन कार्यों की जानकारी जनता के पास घर घर जाकर के प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर के उसे ठीक से हम पहुंचाए। एक कार्यकर्ता होने के नाते हमें उन लाभार्थियों से मिलना चाहिए जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, लाभार्थियों से मिलना यह अपने आप में ट्रांसफॉर्मेटिव है। आजकल मैं जहां भी कार्यक्रम के लिए जाता हूं, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से मिलता हूं, उनके जीवन की घटनाएं सुनता हूं। साथियों, यह अनुभव मुझे भी हृदय को छू जाता है और मुझे काम करने का और आनंद बढ़ जाता है मेरा। आप भी करके देखिए, आपको गर्व होगा कि कैसे अपनी सरकार लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। आपका देश पर विश्वास बढ़ेगा कि हाँ, नामुमकिन अब मुमकिन है। आपका काम करने की प्रेरणा और संकल्प और मजबूत होंगे कि हाँ, इस प्रगति की यात्रा को रुकने नहीं देना है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सरकार के परिश्रम और आपकी सहभागिता का ही प्रतिफल है कि हम करोड़ों गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, दलितों, वंचितों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सफल रहे हैं। भाजपा परिवार ने इसे कमल ज्योति संकल्प अभियान के तहत एक उत्सव के रूप में मनाया। कार्यकर्ता लोगों की खुशी में शामिल हुए और घर घर कमल दीपक प्रज्वलित किए। पार्टी इसके अलावा का कई दूसरे कार्यक्रम भी चला रही है। कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि इसे जोर शोर से जन जन तक पहुंचाए। भारत के मन की बात, इसके तहत प्रत्येक देशवासी अपने मन की बात सीधे मुझ तक पहुंचा सकता है। आप सुनिश्चित करें कि आपके बूथ में से ज्यादा लोग अपने सुझाव दें। इससे हमारा 2019 का जो संकल्प पत्र होगा वो सही माने में करोड़ों देशवासियों का, जनता का संकल्प पत्र बन जाएगा।
इसके अलावा मेरा परिवार भाजपा परिवार, इसके तहत भी आप अपने घर या दफ्तर में पार्टी का झंडा लगाएं, या दुकान होगी, जो भी हो, आप ऑटो रिक्शा चलाते हो ऑटो रिक्शा पर लगाइए, आप स्कूटर लेके जाते हैं स्कूटर पर आपका झंडा होना ही चाहिए और आपसे ऊंचा आपका झंडा होना चाहिए। घर घर जाकर के संपर्क करें। भाजपा परिवार में शामिल होने के लिए लोगों को प्रेरित करें, नए नए लोगों को जोड़े। समाज का कोई वर्ग, समाज का कोई तबका छूटना नहीं चाहिए। गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, अच्छी आर्थिक स्थिति वाला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बड़ी मुश्किल भरी जिंदगी गुजारता हो, खेत मजदूर हो, हर किसी को जोड़ना है। इस प्रकार 2 मार्च को, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पार्टी की तरफ से पूरे देश में एक साथ विजय संकल्प बाइक रैली का भी आयोजन कर रही है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और हम लोग इस कार्यक्रम को बड़े शान से करें। बाइक रैली का अपना एक अलग ही प्रभाव होता है, युवा साथियों को इसमें पूरे उत्साह से भाग लेना है। आज जब हम न्यू इंडिया और 21वीं सदी की बात कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट टाइम वोटर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में बूथ कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे अपने बूथ के सभी फर्स्ट टाइम वोटर के से संपर्क करें। साथियों, लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता और विपक्ष के बीच स्वस्थ स्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और इसका पहला पाठ हम अपने पार्टी के भीतर ही सीखते हैं। ऐसे में सभी बूथ और कार्यकर्ताओं के बीच भी एक हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए और ये स्पर्धा होनी चाहिए कि कौन कितने युवा वोटर अपने साथ जोड़ सकता है, कौन कितनी महिला वोटर अपने बूथ तक ले जा सकता है, कौन कितने परिवारों का संपर्क करता है, कौन कितने लाभार्थियों के साथ बैठ करके बात करता है, कौन इसकी वीडियो निकाल करके प्रचारित करता है। आज मैं हर बूथ कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी देता हूं, आप ये तय कर लें। और मैं सभी बूथ के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि हर बूथ का कार्यकर्ता कम से कम 10 परिवारों के साथ चुनाव तक घनिष्ठ संबंध बनाएगा। अगर एक एक कार्यकर्ता 10-10 परिवार को लेकर बैठ जाए बूथ में, आप कल्पना कर सकते हैं उस बूथ की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे, उन तक सरकार द्वारा किए गए कामकाज की सही और नियमित जानकारी पहुंचाएंगे। कार्यकर्ता संकल्प लें कि मेरे बूथ में सबसे ज्यादा लोग नमो ऐप को डाउनलोड करेंगे। इतना ही नहीं, रोज नमो ऐप पर आधा घंटा देंगे, नमो ऐप में क्या क्या है वो देखेंगे और उसमें से जो बातें हैं वो आगे पहुंचाएंगे। नमो ऐप के माध्यम से वो वॉलेंटियरिंग करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, पॉजिटिव चीजों को रोज शेयर करेंगे, डोनेशन देंगे, सुझाव देंगे। आज जब हम इतना अधिक मात्रा में काम कर पा रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह है 125 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद, जिनके समर्थन से 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते मजबूत सरकार से भागते हैं, मजबूत सरकार का नाम सुनते ही डरते हैं, और इतना ही नहीं, वो तो तत्वज्ञान भी परोसते हैं कि सरकार कभी मजबूत होनी ही नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि वो उनकी अपनी दुनिया चलती रहे। ऐसे में बूथ कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य हो जाता है कि वो लोगों को समझाएं कि जब मजबूत सरकार होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है और उससे देश को क्या फायदा होता है।